They tried to look for a military solution in Afghanistan when there never was one. Only good outcome for Afghanistan is that if there is a political settlement which is inclusive, so they form some sort of a government that includes all sorts of different factions there. When you had the government of Afghanistan, the leader of that government, getting in a plane and taking off and going to another country, when you saw the significant collapse of the Afghan troops we had trained, that's what happened. I don't think it could have been handled in a way that we're going to go back in hindsight and look, but the idea that somehow there's a way to have gotten out without chaos ensuing, I don't know how that happened. قصد فرار کجا و وطنی ندارم. فعلا در امارات هستم تا از خونریزی و فاجعه جلوگیری شده باشم. همین حالا در مشهد هستم تا به افغانستان برگردم. We want to reassure that Afghanistan will not be used against anybody. Whoever wants to take advantage of our soil, our country, they will not be allowed. The government is being formed. Yeah, and very soon, I promise that you will have a government and a rule of law. Assalamu alaikum, Nazreen. Program mein khush aamdeed kehte hain. Afghanistan ki badalti hui surat-e-haal ke upar consultation ka process jo hai wo jari hai. Kabul ke andar humne dekha ki Taliban jo hain wo Hamid Karzai se, Abdullah Abdullah se, baki logon se guftoshanid ho rahi hai. और कोशिश ये की जा रही है कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट यानी इश्तराकियत की हुकूमत जो है वहाँ पे जितने भी मुख्तलिफ फैक्शंस हैं अफगानिस्तान के अंदर उनको शामिल करके तालिबान जो है वो गवर्नमेंट की फॉर्मेशन करें. ये एक चैलेंज है. दूसरा चैलेंज ये है कि तालिबान जो है अफगान दुनिया की जो मुख्तलिफ ताकतें हैं, कुव्वतें, ममालिक हैं उन तक कैसे वो रसाई करेंगे और किस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम दुनिया को ये बावर करवाएंगे या कन्विंस करेंगे कि उनकी हुकूमत को तस्लीम किया जाना चाहिए. और फिर इसके साथ साथ चौथा चैलेंज ये है उनके लिए कि वो किस तरह से एक आला और इंसाफ पर मबनी इंतज़ामिया जो है, गवर्नमेंट जो है, उसको फॉर्म करते हैं, उसके ऊपर अमल दरामद करते हैं. ख़ासकर जो इस वक्त वेस्टर्न मीडिया के अंदर देख रहे हैं हम पिछले चंद रोज़ से, वहाँ पर एक नैरेटिव जो दोबारा से तालिबान के खिलाफ जो बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि वो ख्वातीन के हकूक, वो इंसानी हकूक जो हैं वो उनकी पामाली करेंगे आने वाले दिनों में. डिस्पाइट द फैक्ट के जो तर्जुमान है तालिबान के, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर भी और मीडिया से जो उनकी गुफ्तगू हो रही है उसमें वो ये यकीन दहानी करवा रहे हैं कि वो तमाम इंसानी हकूक की वो रिस्पेक्ट करेंगे, इज्जत करेंगे. देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या इसके असरात मुरतब होते हैं और ख़ासकर पाकिस्तान के हवाले से ये तमाम जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान पे इसके क्या असरात मुरतब होते हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं रुस्तम शाह मोमन साहब, साबिक सफ़ीर हैं. बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने हमें ज्वाइन किया. साबिक सेनेटर जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब, शुक्रिया जन साहब आपका भी, आपने हमें ज्वाइन किया. जनाब एजाज चौधरी साहब, आप साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं, चौधरी साहब आपका भी शुक्रिया. तीनों मेहमानों को एक मरतबा फिर वेलकम करते हैं प्रोग्राम में. रुस्तम शाह मोहन साहब, बात का आगाज आपसे करते हैं कि जो इस वक्त कोशिश की जा रही है कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट जो है वो काबुल के अंदर उसको फॉर्म कर लिया जाए, डू यू थिंक कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसका कोई मुस्बत नतीजा जो है हम उसका इंतजार कर सकते हैं? देखिए, करीब तालिबान की शूरा का इजलास होगा और उसमें फैसले किए जाएंगे. अभी तो तालिबान के लीडर अक्सर अफगानिस्तान से पार हैं. मुल्ला हिफ़ज़ुल्लाह अख़ुंदज़ादा अफगानिस्तान से पार हैं. इनके बारे में इत्तला नहीं है कि मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर कंदार पहुंच गए हैं या नहीं पहुंचे. बाकी जो लीडर हैं सिराज अफगानी, मुल्ला याकूब वगैरह, उनके बारे में अभी तक हमें इल्म नहीं हो सका कि वो काबुल या कंदार पहुंच गए हैं या पहुंचने वाले हैं. जब ये लोग इकट्ठे होंगे तो ये कंसल्टेशन का प्रोसेस तो शुरू हो गया है. आपको मालूम है कि अनस सापानी जो कि हकानी ग्रुप के एक वो मेंबर हैं, वो मुख्तलिफ लोगों से मिलते रहे हैं काबुल में. न सिर्फ ये कि वो करजई साहब और
عبداللہ عبداللہ باقی لوگوں سے ملے ہیں, بلکہ مختلف فیکشنز کے لوگوں سے وہ مل رہے ہیں, مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں سے وہ مل رہے ہیں. تو یہ ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ طالبان نے کچھ واضح اعلانات بھی کر لیے ہیں کہ کوئی نہیں دیا جائے گا, عام معافی لگی, عورتوں کو پورے حقوق ہوں گے, اقلیتوں کا تحفظ کیا جائے گا, افغانستان کی سرزمین کو کسی اور کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا, جلد ہی ایک انکلوسیو حکومت وہ قائم کر لیں گے. اس کے بارے میں علم نہیں ہے حبیب اللہ اخندزادہ, میرے اپنے اندازے کے مطابق اس حکومت میں شامل نہیں ہوں گے, وہ ایک سپریم لیڈر کو جسٹ وہ کریں گے, واچ کریں گے, سپروائز. جو باقی لوگ ہیں ان کے نام لیے جا رہے ہیں, ملا یعقوب ہیں, سراج الدین حقانی ہیں, ملا حبت اللہ, ملا عبدالغنی برادر ہے, اور لوگ ہیں, ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ سب شاید کابینہ میں شامل ہو جائیں, مختلف ان کو ذمہ داریاں دی جائیں. اس کے ساتھ ساتھ جو تاجک, ازبک, ترکمن, ہزارہ برادری کے لوگ ہیں, ان کو بھی امکان ہے کہ ان کی بھی نمائندگی دی جائے گی, اور جو ایک دو تین فیکشنز ہیں پولیٹیکل, شاید ان کو بھی کچھ نمائندگی حاصل ہو. تو میرے خیال میں ہمیں ان کو کچھ وقت دینا ہے. مغربی میڈیا انفارچونیٹلی پہلے سے مفروضوں پہ بات کرتی ہے, ازمپشنز پہ بات کرتی ہے, وہ ازمپشنز بعد میں انویلڈ ثابت ہو جاتے ہیں, لیکن وہ ایک رخ دینا چاہتی ہے اور وہ یہ لوگوں کو امپریشن دینا چاہتے ہیں کہ طالبان وہی کے وہی ہیں جو 1996 میں تھے. ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, ان کے سوچ میں تبدیلی نہیں آئی, اور وہ جو کہتے ہیں ان پر عمل نہیں کرتے. یہ ایک نیریٹو جو ہے وہ بلڈ اپ کیا جا رہا ہے اور یہ سیل کیا جا رہا ہے مغربی دنیا میں. بالکل صحیح ہے رسول صاحب, مہمان صاحب جی, ان کو ذرا وقت دیں, ایک دو ہفتے دیں. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. جنگ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. ڈو یو تھنک اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ کائنڈ آف اے ٹاسک ہے جب کوئی بھی, مطلب طالبان خاص کر, جو ایک امریکہ, نیٹو, آئس آف جیسی بڑی فوجی قوتوں کو انہوں نے افغانستان سے فارغ کیا ظاہر ہے کہ ایک ایگریمنٹ کے تحت, اور فائنلی دے ریچ ٹو دا کابل. اب جو کنسلٹیشن ہو رہی ہے, ڈو یو تھنک کہ یہ پاسبل ہوگا, طالبان اتنی فلیکسیبلٹی شو کریں گے کہ باقی جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کرزئی صاحب ہیں, عبداللہ عبداللہ ہیں, باقی جن کا نام محترم رستم شاہ مومن صاحب نے لیا ہے, ان کو ساتھ ملا کے گورنمنٹ جو ہے اس کی فارمیشن کر لیں؟ یہ دیکھیں, کارزئی صاحب ادھر ہیں, یہ ٹھیک ہے, اور عبداللہ عبداللہ بھی ہیں, لیکن دی فائنل ورڈ وڈ بی دیٹ آف طالبان لیڈرشپ, کیونکہ طالبان جو ہیں وہ فتح یاب طالبان ہوئے ہیں. یہ تو سارے کمپرومائز لوگ ہیں نا, ان کی تو اپنی کوئی ایسی طرح حیثیت نہیں ہے, لیکن طالبان کی ضرورت یہ ہے کہ وہ ایک ایسا گورنمنٹ بنائیں جس میں ان سب کو نمائندگی دے, جو ایک مجبوری ہے, تاکہ باہر کی دنیا میں ایک پازیٹیو ان کا امیج جائے کہ سب کو ملا کے تو ایک انکلوسیو ایک حکومت بنائی گئی, جو ضروری بھی ہے, اور ایک پازیٹیو اپنا سافٹ امیج پیش کریں, اور اس کے تحت پھر ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر اپنے دوستوں ساتھیوں میں اضافہ کریں, چونکہ ابھی تک یہ ڈکلیئر ٹیررسٹ ان کو کیا ہوا ہے اور ہر طرف ان کے خلاف نفرت. آج سے 20 سال پہلے میڈیا کی اور کنڈیشن تھی, آج میڈیا ان کے خلاف استعمال ہے, پورا ویسٹرن بھی, ادھر ادھر بھی, اور ان کے پیٹ میں درد بھی ہے جو افیکٹ ہوئے ہیں, جو بھاگے ہیں یہاں سے. تو یہ ایک ویسٹ سیولائزیشن اور امریکہ کے ڈاؤن فال میں ایک تیزی لائے گا, یہ جو اس صدی کا ایک تاریخ ساز واقعہ ہوا ہے, یہ جس سے ایک مطلب سپر پاور جو کہ انسانی تاریخ کی سب سے مضبوط طاقت ہے, اس کو یہاں سے نکلنا پڑا. تو یہ ہے, تو اس لیے آئی تھنک طالبان بھی آرٹ آف گوریلا وارفیئر تو ان کو پہلے ہی بہت پتا تھا, لیکن ابھی آرٹ آف ڈپلومیسی کے اندر بھی یہ جنسا بیو تھنک کہ یہ جو ان کی ایک دو انٹریکشن انہوں نے میڈیا کے ساتھ کی, اور بڑے ٹف کوسچنز بھی ظاہر ہے ویسٹرن میڈیا کے لوگ کابل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, سو دے نو ہاؤ ٹو ہینڈل دیٹ پولیٹیکلی, ان کو کچھ تھوڑی سی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف مطلب کلاشن کوف اٹھا کے اور میزائل اٹھا کے نہیں, بلکہ اب دے نو ہاؤ ٹو ڈپلومیٹیکلی ڈیل ود دا پیپل؟ یا آئی ایم شیور کہ دے آر وائز انف. دیکھیں مطلب ہے انہوں نے دوحہ کے مذاکرات بڑی کامیابی کے ساتھ ہینڈل کیے,
इन्होंने चीन के साथ इंटरेक्ट किया, रूस के साथ किया, ये ईरान के अंदर भी चले गए, ये अमेरिका के साथ भी करते रहे। देखे मुल्ला ब्रादर जो है उसकी रिहाई भी अमेरिका के कहने पे 2018 में हुई और उसके बाद वो हुआ, तो इसलिए आई एम श्योर कि दे नो और कि कैसे आगे चलाना है। और फिर ये है कि जिन लोगों का ईमान फॉर्म हो ना और अपना टोटल अपनी कैपेबिलिटी पे यकीन हो तो अल्लाह भी उनकी मतलब है मदद में शामिल हाल हो जाते हैं। तो आई एम श्योर के खुदा के करम से। और फिर आपने देखा कि ये जो किराए के फौजी थे, 3 लाख फौज हमने तैयार की हुई है, उनको अकुप किया हुआ, ये न जानते हुए कि जब अमेरिका ने इन्वेड किया ना अफगानिस्तान को तो कुछ तो रिजिस्टेंस में चले गए ये तालिबान की शक्ल में, जो बाकी थे उनके लिए फेट अकम्पली थी, वो मुल्क छोड़ के तो जा नहीं सकते थे, लेकिन वो टाइम तो पास कर रहे थे, कोई रोजगार भी चाहिए, कोई डॉलर चाहिए, वो होता रहा। द मोमेंट उन्होंने ये देखा कि अमेरिका तो अभी दुम दबा के भाग रहा है तो उसके बाद उन्होंने उनको बिल्कुल वेलकम किया और वो आ गए। इसका मतलब ये है कि काज और अपने मुल्क से मोहब्बत जो है वो बड़ी स्ट्रांग है और दैट गिव्स यू विल टू फाइट और दैट इज द रीजन कि वो फाइट किया और फिर उनको आगे वेलकम। मैं किसी जगह एक चाइनीज मीडिया पे देख रहा था, वो कह रहे थे कि यहाँ जो ट्रांजिशन है ये इतनी स्मूथ है कि वाशिंगटन में जो सदर चेंज हुए तो उसमें भी वहां ट्रांजिशन इतनी स्मूथ नहीं थी। तो अभी ऑब्वियसली हम पाकिस्तान में हुकूमत बनी या कोई और बनती है, हम कहते हैं 100 दिन दें, फिर हम कहते हैं इनको 3 महीने 1 साल दें, 3 साल दें, वो और इन मुल्कों के अंदर सारे इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड है, फंक्शनल है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है एजाज जी, तो इनको टाइम देना, बिल्कुल सही है। चोई साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा, आज एक जो नई एक डिबेट वहां पे हमने देखा है कि अफगानिस्तान के अंदर जो जनरेट की जा रही है वो फ्लैग के ऊपर है कि पिछले 100 साल के अंदर एक दर्जन से ज्यादा वक्त में इसको चेंज किया गया झंडे को, और फिर वहां पे जो एग्जिस्टिंग आइन है जिसको अशरफ गनी के तहत और बाकी करजई साहब उसको चलाते रहे 2002 के बाद, फिर उसके बाद हमने देखा कि उनका जो सिस्टम है वहां पे ये शरिया ला लाना चाहते हैं, उनका दूसरा लाए, तो ये जो चीजें हैं डू यू थिंक कि ये लॉन्गर टर्म में इनको तालिबान जो है बाकी लोगों के साथ मिलके रिजॉल्व कर लेंगे, और अभी जो एग्जिस्टिंग जो चैलेंज है वो गवर्नमेंट फॉर्मेशन का है? जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला है तालिबान के लिए वो हुकूमत साजी है। हुकूमत तो वो अपनी बना सकते हैं, उन्होंने जीत ली है, ये जंग जीत ली है तो वो बना सकते हैं, लेकिन तमाम तरफ से उनके ऊपर एक किस्म का दबाव भी कह लें या मशवरा दिया जा रहा है कि आप एक मखलूत हुकूमत बनाएं, क्योंकि अभी तक आप जिस तरह जनरल साहब कह रहे हैं कि टेररिस्ट लिस्ट पे हैं, आपको इंटरनेशनल लेजिटिमेसी, इंटरनेशनल रिकग्निशन चाहिए होगी। तो तालिबान को मेरे ख्याल में इस मामले में सारों को साथ लेकर चलना है और पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत ही वाज़े पैगाम दिया है। इशारे और इंदिये अभी तक तो तालिबान से कोई ठीक ही आ रहे हैं, लगता है कि वो सारों को साथ लेकर चलते हैं, लेकिन ये कोई इतना आसान काम है नहीं, उन्हीं वजूहात की बुनियाद पर जो आपने भी जिनकी तरफ इशारा किया। एक तो दस्तूर है, वो तालिबान तो उस दस्तूर को नहीं मानते हैं, सही, वो तो शरीयत को मानते हैं, और इसी तरीके से चले झंडे का इतना बड़ा मसला शायद ना हो, वो कोई बीच में पैच कर लेंगे, एक रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन जो हकूमत में पावर शेयरिंग कैसे होगी, क्योंकि अफगानिस्तान रखिए कि सेंट्रलाइज स्टेट नहीं रहा, कभी भी डिसेंट्रलाइज स्टेट रहा है, तो ये जो बहुत सारे जो वॉरलॉर्ड्स होंगे वो ये तवक्को रखेंगे कि जब आप पावर शेयर करेंगे तो काबुल में तो आप हमें थोड़ी बहुत सीट देंगे, असल हमें खित्तों में जिनमें हमारा जोर है वहां पे हमें ज्यादा आप अटोनमी या पावर देंगे, जिस तरह ताजिक हैं, हजारा हैं, उज़्बेक हैं, उनके अपने अपने इलाके हैं। तो क्या तालिबान ये बात उनकी मान लेंगे या नहीं मान लेंगे, ये ज्यादा मुश्किल काम है। लेकिन मैं ये फिर भी कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान ने चूंकि एक पोजीशन ली है कि हमारा अमल दखल कोई नहीं होगा, हम इंटरफेयर नहीं करना चाहते, हमें कोई किसी किस्म का फार्मूला नहीं देना चाहिए, ये अफगानिस्तान का अंदरूनी मामला है हुकूमत साजी, और तालिबान को दूसरों के साथ बैठ के खुद ये फैसले करने होंगे, और उसके लिए सिलसिला शुरू हो गया है। हमें बिल्कुल किसी किस्म का फार्मूला पेश मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए, ना ही हमें ये राय देनी चाहिए कि जी आपका झंडा
इस तरह का हो और आपका दस्तूर इस तरह का हो। डू यू थिंक कि चूंकि आप एक करियर डिप्लोमेट रहे हैं माशाल्लाह, रुस्तम साहब, मोहन साहब भी, जन साहब भी माशाल्लाह बड़ी सीनियर पोजीशंस के ऊपर इन्होंने भी काम किया है, मुझे काइंडली ये बताइएगा कि अभी जो रिसेंटली 3-4 दिनों में प्राइम मिनिस्टर को मुख्तलिफ कॉल्स आई हैं यूरोप के ममालिक से, उसमें ज्यादातर यही हमारे ऊपर उन्होंने प्रेशर डाला होगा कि इमीडिएटली तालिबान की गवर्नमेंट को आपने तस्लीम नहीं करना। मेरा मुझे नहीं इल्म जी, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि मगरब में इस वक्त बशरी हकूक ह्यूमन राइट्स के हवाले से ज्यादा तजबजब है, खसूसन खवातीन के हवाले से। तो उनको तालिबान का एक माजी है, जो पुरानी हकूमत थी, उनके जो ख्यालात थे, और आपने वो देखा कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट, वो सिर्फ इसके ऊपर ही फोकस थी। तो इस वजह से मेरा नहीं ख्याल कि वो पाकिस्तान को रिकग्निशन से रोकने के लिए कुछ कर रहे हैं। और वैसे भी पाकिस्तान ने ये वाजे कर दिया है कि हम रिकग्निशन इस तरह नहीं देंगे, हम पूरे खित्ते के ममालिक से तावन यानी कोऑर्डिनेट करके और फिर एक कोई इकट्ठा फैसला करेंगे। ये बड़ा ही दुरुस्त कदम होगा मेरे ख्याल में। कुछ हमारे दोस्त हैं जो कहते हैं कि जी इस रेस में आप सबसे आगे निकल जाइए और रिकग्नाइज करिए। मेरी राय और मशवरा हुकूमत को ये होगा कि आप चीन, रूस, ईरान, सेंट्रल एशियंस के साथ, तुर्की के साथ मिलकर ये फैसला कीजिए। जहां तक मगरिब का ताल्लुक है, मगरिब अभी इतने आसानी से ना इनको रिकग्नाइज करेगा और ना ही वो इनके साथ उस तरह की डीलिंग्स करेंगे। आपने देखा अमेरिका ने उनके पैसे जो थे वो भी मुंजमद कर दिए, और भी अभी आप देखेंगे आइंदा दिनों में वो बहुत कुछ करेंगे। इसलिए मैं ये समझता हूं कि हमारे खित्ते के जो इसका रीजनल सोल्यूशन विल बी द बेस्ट सोल्यूशन, हमारे खित्ते के लोगों को कोऑर्डिनेट करके पाकिस्तान को एक बिल्कुल सही है, बिल्कुल द नेबर्स एंड द रीजन। मैं एक शॉर्ट ब्रेक क्विकली जी यहां पे नाज़रीन ले लूंगा और ब्रेक के बाद वापस आके जो बाकी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं इस हवाले से उनको लेकर पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक रुस्तम शाह। मुमान साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा जी, कि तालिबान ने तो ये कहा है कि जी हम जितने भी पहले कोई अगर फंक्शन कर रहे थे या जिन्होंने पनाह ली हुई थी दहशतगर्द ग्रुप अफगानिस्तान से, उनको किसी को भी इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन जैसे आपने पहले भी कहा कि वेस्टर्न मीडिया जो है वो एक तो वो जो उनको जख्म लगा हुआ है शायद उसके ऊपर मलहम लगाने के लिए भी सारा कुछ जो है वो ह्यूमैनिटेरियन जो इश्यूज हैं उनको हाईलाइट करना चाह रहे हैं या टेररिस्ट ग्रुप के हवाले से, बट तालिबान ने ये कहा है जी कि हम किसी को भी इजाजत नहीं देंगे कि किसी मुल्क के खिलाफ वो अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करें, जिसमें TTP या अलकायदा है। चाइना को भी कुछ इश्यूज थे ये टेररिस्ट के हवाले से और IS। सो डू यू थिंक कि इन ग्रुपों को कंट्रोल करना तालिबान के लिए पॉसिबल होगा? जी, मैं समझता हूँ कि नहीं, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप देखें कि पिछले 7-8 साल से तालिबान मुख्तलिफ महाजों पे दाइश के खिलाफ लड़ते रहे, दाइश ने उनको नुकसान भी पहुंचाया और तालिबान ने दाइश को भी नुकसान पहुंचाया। आप ये भी देखें कि रूस, चीन, ईरान तीनों मुल्कों की उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने उनको ये समझाया है कि जिस हुकूमत में तालिबान होंगे वही दाइश को खत्म कर सकती है, और तीनों ने इसीलिए तालिबान से रवाबित बढ़ाए हैं और अभी तक उनके बड़े अच्छे रवाबित हैं। और तीनों मुल्क चाहते थे कि किसी तरह तालिबान इख्तदार में आ जाए ताकि ये दाइश का खात्मा हो सके, और तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट जो कि एक खतरा है वहां पे चीन के लिए और पाकिस्तान वगैरह के भी खत्मा हो सके। पाकिस्तान का तो ज्यादा कंसर्न TTP से है, बचे कचे जो लोग वहां पे हैं। तालिबान को अच्छी तरह इल्म है कि पाकिस्तान इनकी मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं करेगा, तो उनके बारे में एक वाज़े पॉलिसी तालिबान को अपनानी होगी और इस बारे में मुसलसल पाकिस्तान को उनके साथ एंगेज रहना होगा। और तालिबान को हमारी इस मसले का इल्म है, तालिबान कभी भी TTP को अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान के खिलाफ उनकी शकुकुशुबात भी हैं, उनकी ग्रीवेंसेस भी हैं, वो आपको मालूम है 2001 में किया हुआ, फिर उनके लोगों को पकड़ के गुंटनामा को अमेरिका को हैंड ओवर किया गया, मुला बिरादर को 8 साल बगैर किसी उसकी कैद रखा गया, ये सारी चीजें हैं। लेकिन एक बात है कि अफगानिस्तान के तालिबान कभी भी किसी हालत में भी
अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दें। तो इसके बारे में हमें तसल्ली रहनी चाहिए कि हमारा वेस्टर्न बॉर्डर काफी हद तक अब महफूज होगा, स्टेबलाइज होगा, और उसके बारे में जो हमें खदशात थी वो खदशात अब नहीं होंगी और हमारा रास्ता सेंट्रल एशिया तक खुल जाने वाला है। बल्कि सारे खत्ते के लिए ये एक मस्तक पैगाम है कि जो चीन का जो वन बेल्ट वन रोड वाला प्रोग्राम है या बाकी हमारे प्रोग्राम है, तुर्कमानिस्तान वाला, ताजिकिस्तान से बिजली वगैरह, वो अब मेटीरियलाइज होना शुरू हो जाएंगी। मेरा ख्याल है कि ये जो कुछ शुकु कुछ बात है उनके हवाले से ये जल जैसे वो दो तीन महीने उनको गुजर जाएंगे, ये उनके बैन अवी बिरादरी जो है उनके शकू को जो बात ऐसा ऐसा रफा हो जाएंगे और वो अफगानिस्तान से इंटरेक्शन शुरू कर देंगे। हो सकता है किसी भी जल्दी इंटरेक्शन शुरू कर दें। बिल्कुल सही है जन साहब। मैं एक डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव का क्वेश्चन आपसे करूंगा अमेरिकन के हवाले से, खासकर कि अब जो रिपोर्टें सामने आ रही है वॉशिंगटन पोस्ट की, आज मीडिया के अंदर एक रिपोर्ट जो है वो भी बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रही है जिसमें अमेरिकन ने अमेरिकन जनरल्स को, कांग्रेस को, इवन जितने भी पॉलिसी मेकर्स थे इंक्लूडिंग आई मीन स्टार्टिंग फ्रॉम जनरल जॉर्ज बुश एंड देन ओबामा एंड देन ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब थे, ये यानी सारे के सारे 20 सालों में इन्होंने गलत पॉलिसी जो है अफगानिस्तान के हवाले से अपनाई रखी। 2,500 अरब डॉलर खर्च करने के बाद अमरीकियों को मिला क्या है वहां से? ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है और जो अमेरिका के टैक्स पेयर्स हैं दे हैव द राइट टू आस्क देयर लीडर्स कि हमें झूठ आप बोलते रहे कि हर चीज अंडर कंट्रोल है और ये आपकी 3 लाख की फौज और 20 साल की मेहनत और $2 trillion ये सब कुछ ऐसे गिरा जैसे हाउस ऑफ कार्ड्स, तो इसका मतलब है कि सब बोगस था ना। उसकी वजह यह था कि इसकी कोई मॉरल बेसिस नहीं थी अमरीका के पास। वो आप ये देखें कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोई अमेरिका ने 72 इंटरवेंशंस की हैं मुख्तलिफ जगहों पे, कहीं रिजीम चेंज, कहीं ड्रोन अटैक, कहीं वैसे पूरा उनके ऊपर हमला किया। तो आप पिछले 60 ईयर्स में आप वियतनाम से शुरू करें तो ये इनके डिक्लाइन की तरफ ही ग्रेजुअली सारी चीजें जा रही हैं। वो हुआ, आप पूरा जोर लगाया इन्होंने ईरान को के किसी ना किसी तरीके से उसको उसको पैसिफाई नहीं कर सके। सीरिया के अंदर रिजीम चेंज चाहते थे, वो अपने तौर के ऊपर जितना जोर लगा वो नहीं हुआ। आप देखें यूक्रेन में झगड़ा हुआ तो रशियन ने क्रीमिया ले लिया और उससे भी कुछ ना हुआ। और अभी ये तो एक लास्ट नेल है इन द कफन कि बहुत से एनालिस्ट ये कहते हैं कि ये इनके डिक्लाइन को और ज्यादा, जैसे मैंने पहले कहा, फास्ट करेगा। और चाइना जिसकी पॉलिसी जो है वो है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की और वो वन बेल्ट वन रोड से एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो कि एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है वो दे रहा है और बहुत से कंट्रीज को साथ मिला रहा है। तो होप ये की जा रही है कि अगले 8-10 सालों में वो नंबर वन इकोनॉमिक पावर बन जाएगा। तो अमेरिका का तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल ठीक बात है। बुश ने क्या कहा, उसने खुशखबरी दी कि हमने तालिबान की हुकूमत खत्म और ये चैप्टर बंद हो गया। इराक में भी जाके उसने झंडा लहरा दिया और कह दिया, और ये सब झूठ पे मबनी था। इसके बाद आप देखें कि ये बुश की जो इनिशिएशन गलत थी, उसके बाद भी जो कुछ होता रहा जो मुख्तलिफ ये ओबामा के टाइम के ऊपर भी ये वो। मेरे ख्याल में जो ट्रंप पे बहुत क्रिटिसिज्म होती है लेकिन आई थिंक के ही वॉज द वन हु इनिशिएटेड के ये जो मुल्ला ब्रादर को बाहर निकाले और कम अज कम कोई रिस्पॉन्सिबल बंदे से बात करें, वरना इनकी एक वक्त में ऑपरेशन में इतनी कैजुअल्टीज नहीं होती थी अफगानिस्तान में जितनी सुइसाइड हो रही थी सोल्जर्स की। और अभी भी बहुत से साइकोलॉजिकल केसेस हैं और वो कह रहे हैं कि अभी भी हमें बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करेंगे उनके इलाज के। 400 के करीब जो इनके फौजी थे जिनसे इंटरव्यू किया गया था, उन्होंने कहा कि व्हाई वी वर इन द अफगानिस्तान, व्हाट वाज द मेन पर्पस। अभी उसकी क्या जस्टिफिकेशन है कि एक लीडरशिप आपको इधर लेके, तकरीबन इनके 4,000 तो कॉन्ट्रैक्टर मरे हैं, 3,500 टोटल सोल्जर्स गए जिसमें 1,000 पोलिशन के थे, 2,500 इनके अमेरिकन के थे, 47,000 अफगान जो सिविलियंस इन्होंने फिगर अमेरिका ने दी है, 69,000 जो हैं वो इन्होंने ये कहा है कि ये अफगान की सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं।
और 51,000 तालिबान मारे हैं। ठीक है जन साहब, मुझे मुझे जी क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, मैं चोई साहब की तरफ मैंने जाना, मुझे सिर्फ ये बता दें कि अभी तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, डू यू थिंक कि वो बिल्कुल वी आर ऑन द राइट डायरेक्शन विज़वी पॉलिटिकल जो इस वक्त या डिप्लोमेटिकली हम अफगानिस्तान के मसले को जिस तरह से हैंडल कर रहे हैं? देखिए ये मैं समझता हूँ कि ठीक है, जो अभी हुकूमत की पॉलिसी है ना, ये हुकूमत की नहीं, ये रियासती पॉलिसी है पाकिस्तान की कि हम ये चाहते हैं कि वेयर एज वी आर वेरी क्लोज टू अफगानिस्तान, और हमारी पॉलिसी है कि अफगानिस्तान में जो हुकूमत भी होगी, वो अशरफ गनी की भी थी तब भी हमने रिकग्नाइज, जो हुकूमत होगी उसे हम रिकग्नाइज करेंगे। लेकिन ये पॉइंट ठीक है कि हमें उजलत से काम नहीं लेना है, बिकॉज ऑलरेडी मैनी पीपल आर गनिंग फॉर अस, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अपने स्केप गोट के रोल में हमें लेते हैं, अपने ऐप छुपाने के लिए वो ये चाहते हैं कि ये सारा इल्जाम, मैंने कई सुने हैं ये गोरे अमेरिकन भी हो ब्रिटिश भी हो, कहते रहे कि जो सब इसकी जड़ है तकलीफ की वो पाकिस्तान है। तो हमें सोच समझ पे करना हो, लेकिन अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड है, अफगानिस्तान की ट्रांजिट ट्रेड हमसे है, उनके मेडिकल ट्रीटमेंट क्या होते हैं, आना जाना उनका लगा है, रिफ्यूजीज 3 मिलियन के इधर है, तो हमारा उनसे एक ताल्लुक वास्ता तो है, लेकिन रिकग्निशन कलेक्टिवली रीजनल कंट्रीज के साथ मिलके एंड इवन वेस्टर्न एंड यूरोपियन कंट्रीज को भी हमें जरूर बताना चाहिए कि आप आगे हो। तो अभी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अफगानिस्तान की बात की जाए, अब इनकी 90% इकोनॉमी जो है फॉरेन एड के ऊपर है, तो ये सर्वाइव कैसे करेंगे? बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इस तरह किए जाए जो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि एक तो काइंडली मुझे ये बता दें कि अभी जो बरतानिया वाले वो कहते हैं जी 20,000 जो माजरीन है अफगानिस्तान उनको हम लेकर आएंगे, और दे आर मोस्टली दोज पीपल हु हैव बीन वर्किंग विद नेटो फोर्सेस, आईएसएफ, अमेरिकन, ब्रिटिश के साथ ट्रांसलेटर थे, कुछ ड्राइवर्स थे, कुछ इस तरह के लोग थे। Why they don't talk of those refugees जो पाकिस्तान के अंदर 25-30 लाख जो हैं 40 सालों से रह रहे हैं, और बाकी जो अफगानिस्तान की आवाम है जितनी भी है 4-3 करोड़ के करीब सब, उसके बारे में ये बात नहीं करते हैं, ये क्या वजह है? जी ये आपका नुकता बिल्कुल दुरुस्त है, और पाकिस्तान भी पिछले 40 साल से यही कह रहा है, और मेरे ख्याल में ईरान भी, कि ये जो आपने 30 लाख पाकिस्तान में 40 साल से रह रहे हैं और 20 लाख के करीब ईरान में रह रहे हैं, इनके लिए पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर कोई जगह बनाए। और मुझे याद है कि जब अशरफ गनी साहब हुकूमत में आए थे 2014 में, तो बड़े जोश में थे, तो उन्होंने कहा कि हम पुल फैक्टर्स क्रिएट करेंगे, पुल फैक्टर्स, तो आप पुश फैक्टर्स ना करें, यानी आप धक्का ना दें, हम उनको खींचेंगे, और हम ये करेंगे कि वहां पे जो इनको जमीन के मालकाना हकूक देंगे, और इंटरनेशनल कम्युनिटी फिर इनको कर्जा देगी ताकि ये वहां पे अपनी कुछ सनत लगाएं या कुछ करें। इसके ऊपर ना अशरफ गनी साहब ने कोई प्रोग्रेस की, ना इंटरनेशनल कम्युनिटी ने की। उसकी वजह यह है कि इनकी दिलचस्पी अफगानिस्तान के अवाम के साथ नहीं थी, इनकी दिलचस्पी अपने मफादात के साथ है। तो जो लोग इनके मफाद के लिए आलाए कार बने, ये उनको ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं वही साहब, इनमें से बेशतर ये यहीं पे डम कर जाएंगे। ये उसी तरीके से है जिस तरह वो जहाज पे जितने लोग चढ़ गए बाकी बेचारे जो हैं वो कोई विंग्स पे फंस गया। मैं समझता कि ये लोग इंसानी यानी बुनियादों पर ये बातचीत कर रहे हैं या इंसानियत के हकूक के तौर पर बात कर रहे हैं, ये अपने मफादात की जंग है और इन्होंने हमेशा इसी तरीके से लड़ी है। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि मेरा नहीं ख्याल, कुछ लोगों का ख्याल है कि अमेरिका और बरतानिया बड़ी जल्दी रिकग्निशन कर लेंगे, मेरा नहीं ख्याल ये इस तरह, इसलिए नहीं कि वो उनको तालिबान अच्छे लगते हैं या बुरे लगते हैं, इसलिए कि वो अपने मफादात जो है वो कुछ और अंदाज से देखते हैं। उनके ख्याल में यहाँ पे एक सिलसिला जो है तसादुम का वो अगर रहेगा तो उनकी भी सिलसिला जारी रहेगा। दूसरा जो जनरल साहब ने कहा कि बहुत सारे उनमें से ऐसे हैं जो पाकिस्तान को हदफ बनाना चाहते हैं, तो इस वजह से हमें बड़े सलीके अच्छा, से बड़े जी सॉरी टू इंटरप्ट यू, इंडिया का जो प्रोस्पेक्टिव इस सारे मामले के अंदर है, हमने देखा कि रिसेंटली चूंकि अगस्त के अंदर उनके पास यूएन की यूएनएससी की प्रेसिडेंसी थी, तो उन्होंने पाकिस्तान को अलाउ ही नहीं किया कि वहां पे वो बोलें, और हम इस हवाले से बात भी करेंगे मुनीर अकरम साहब से। मुझे ये बताएं कि
इंडिया जो है वो भी उसी तरह परेशान है जिस तरह से अमेरिका और वेस्ट वाले हैं अफगानिस्तान की सूरत हाल को देखते हुए? ज्यादा मेरे ख्याल में वो अमेरिका और बरतानिया से ज्यादा परेशान हैं। उनका तो सारा सिलसिला ही खत्म हो गया। उन्होंने जो 3 बिलियन लगाए और उन्होंने जो एक पूरा नेटवर्क, जिस पे सच्ची बात है कि बहुत शिकायत है हमें अशरफ गनी साहब से कि 7 साल में उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा की इन हिंदुस्तान की वसात से। तालिबान के साथ अमेरिका का तो चलो रब्ता था, बरतानिया का भी किसी हद तक था, हिंदुस्तानी तो ये फैसला ही नहीं कर सके कि हम तालिबान से रब्ता। आप जरा देखें उनके सिफारती हल्कों में सफ़े मातम बिछी हुई है। अक्वामे मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान को ना बुलाना ये उनकी महरूमी थी। सही, एक बड़ा फ्रीक अगर शामिल ही है, हमारी महरूमी नहीं थी। बिल्कुल सही है जन साहब। जन साहब आखिरी एक मिनट है इसी हवाले से कि डू यू थिंक कि अब अफगानिस्तान के से हम पाकिस्तान को यानी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वी वुड फील अ बिट रिलीफ फ्रॉम दैट साइड? या श्योरली। देखिए जो इंडिया की इन्वेस्टमेंट थी ना $3 बिलियन की, वो कोई अफगान लोगों से मोहब्बत या प्यार या वो यहाँ को डेमोक्रेसी को मजबूत करने की नहीं थी, वो सारा एक चाल थी पाकिस्तान को 2 डायरेक्शन वॉर की सिनारियों के अंदर लेके आने वाली। इनको पहले किक आउट हुए हैं ये ईरान से, जब ये इन्होंने अमेरिका की तरफ झुकाव किया है तो वहां से इनको छुट्टी मिली है, और फिर ये तेल लेना खत्म किया है ईरान का तो वहां को हुआ। अभी ये जो धक्का है ये तो इतना सीरियस है कि ये बिल्कुल उस परेशानी के आलम में, क्योंकि कुछ तालिबान लीडर ने ये भी कहा कि अभी हम देखेंगे जब तक आप कश्मीर को नहीं हल करते उसके बाद ये वो जो लोअर टीयर के लीडर्स आप बातें करते रहे, बट द फैक्ट रिमेन्स कि अगर हमारी ये ट्रुप्स जो पिन डाउन थे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर एक दो कोरे वहां से वो निकल के सेंटर में आ जाती हैं तो हमारी सिचुएशन बड़ी स्टेबलाइज हो जाती है अपने डिफेंस के लिए। हमें अभी तो उन्होंने बहुत फैला के, और ये TTP के लोग जो आके हमारे P3C ओरियन पे अटैक करते थे या साफ जहाज जो हमारे स्ट्रेटेजिक थे या GHQ पे, तो ये किसी रेडिकल मजहबी इंतहा पसंद के लिए तो नहीं था, ये तो सारा बेनिफिशरी इसका इंडिया था और वो इसको चलाते रहे। तो आई एम श्योर कि ये एक बहुत बड़ा धक्का है और तालिबान इसको समझते हैं, तो ये आइंदा जब ये कहते हैं ना कि हम अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे तो एक तो पाकिस्तान है, दूसरा इनडायरेक्टली वो अमेरिका को भी कहते हैं कि माजी में भी आपने हमारे ऊपर ये इल्जाम लगाया कि अलकायदा यहाँ है फलां, ये तो कुछ भी नहीं था, और तब भी हम कोई ऐसा ग्रुप जारी रखेंगे जो यूरोप या वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भी उनकी मुखालफत करेगा। बहुत शुक्रिया साबिक सेनेटर जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब, एजाज चौधरी साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, साबिक सफीर, तीनों मानों का शुक्रिया। नाज़रीन यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम मुनीर अकरम साहब जो हमारे मुस्तकिल मंदूब हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर, उनसे हम बात कर रहे होंगे इसी नुक्ते के ऊपर। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जो इंटरनेशनल परस्पेक्टिव है तालिबान जो कि इस वक्त कंसल्टेशन हो रही है, इस पर हमारी बात भी हो रही थी ब्रेक से पहले भी, कि पूरी दुनिया जो है किस तरह से अफगानिस्तान में जो एक तब्दीली है, तालिबान जो लीड करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट को उसको तस्लीम करने के हवाले से, बिल्कुल सतह के ऊपर पाकिस्तान की जो कोशिशें रही हैं इस हवाले से, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। खासकर अक़वामे मुत्तहिदा का जो किरदार है, UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो किरदार है आने वाले दिनों में, उसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं न्यूयॉर्क अमरीका से जनाब मुनीर अकरम साहब, हमारे मुस्तकिल मंदूब हैं अक़वामे मुत्तहिदा में। बहुत शुक्रिया आपका मुनीर अकरम साहब वक्त देने का जी। सबसे पहले तो आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल प्रस्पेक्टिव है खसूसन अक़वामे मुत्तहिदा के अंदर, वो क्या बात लेके हम वहाँ पे जो है वो जा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? जी पहली चीज तो हम हमारा जो मौजूद है हमारी पोजीशन से उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं सब नुक्तों पर। हमारी तवज्जो इस वक्त है कि किस तरह से जो इवैक्यूएशन हो रही है वहाँ से उसको किस तरह से फैसिलिटेट किया जाए, तो उसमें पाकिस्तान एक बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है। जैसे आपको इत्तला होगी हमने कोई 1000 से ज़्यादा लोग वहाँ से इवैक्यूएट किए हैं और PIA की फ्लाइट्स जारी हैं, और जो डिप्लोमेट्स हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज,
के एम्प्लॉज हैं और जर्नलिस्ट हैं, जो भी निकलना चाहता है वहाँ से उनको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। हमारी एम्बेसी वहाँ काम कर रही है और इनको फैसिलिटेट कर रहा है इवैक्यूएशन में। ये तो जो इमीडिएट बात है। दूसरी चीज़ हम यहाँ जो कंसल्टेशंस हैं उसमें हम ने ये बताया कि हमारी जो कोशिशें रही हैं और जारी हैं एक इंक्लूसिव हुकूमत वहाँ बनाने के लिए, तो उसके बारे में भी गुफ्तगू हमारी कंसल्टेशंस सिक्योरिटी और सलामती काउंसिल के मेंबर्स हैं उनके साथ भी हमारी कंसल्टेशन जारी हैं। हम हमारा जो मौजू है वो बता रहे हैं, उनके जो ख्यालात हैं उनको हम जांच रहे हैं। तो ये दूसरा मौजू है। तीसरी जो चीज़ है वो अब ख्यालात यहाँ जो हैं कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस अफगानिस्तान को देने की ज़रूरत होगी, तो उसको किस तरह से मोबिलाइज किया जाए। उसमें अक़वामी मुत्तहिदा की जो एजेंसीज हैं जो काबुल में मौजूद हैं उनका क्या रोल होगा और किस तरह से वो अरेंज होगा, ये इस पे भी अब बातचीत। मुनीर अकरम साहब जी, आपने बड़ी मुफसल तरीके से जो तीनों नुकात हैं उसके ऊपर बात की। यूनाइटेड नेशंस की जो मुख्तलिफ एजेंसीज वहाँ पे काम कर रही हैं, क्या वो वहाँ से मूव नहीं कर रही हैं काबुल से फॉर द टाइम बीइंग बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी? नहीं जी, सेक्रेटरी जनरल साहब ने कहा है कि हम वहाँ रहेंगे और यूनाइटेड नेशंस जो असिस्टेंस प्रोग्राम है यूनामा जिसे कहते हैं और जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेक्रेटरी जनरल जो हैं एम्बेसडर डेबरा लियम्स उनका नाम है, वो काबुल में रहेंगे और उनका ज़्यादातर स्टाफ भी काबुल में मौजूद है और वो रहेंगे। यूनिसेफ भी है, दूसरी एजेंसीज भी हैं, वो सब रहेंगे वहाँ क्योंकि वो चाहते हैं कि जो इमदाद की ज़रूरत होगी अफगानिस्तान में, जो लोग इंटरनली डिस्प्लेस्ड हैं, जो जिनको ह्यूमैनिटेरियन फूड असिस्टेंस वगैरह की ज़रूरत है, उनको उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अक़वामी मुत्तहिदा को वहाँ मौजूद होना चाहिए। तो सेक्रेटरी जनरल साहब ने कहा कि वो वहाँ मौजूद होंगे, वो निकलेंगे नहीं। बैरिस्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि जाहिर है कि पाकिस्तान, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान के इस वक्त मौकफ़ क्या है, पाकिस्तान का प्रस्पेक्टिव क्या है विज़वी अफगानिस्तान, विज़वी इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है। अपने लास्ट जो मीटिंग हुई है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, चूंकि इंडियन अगस्त के अंदर प्रेसिडेंसी उनके पास है एंड दे डिड नॉट अलाउ पाकिस्तान, आई मीन योर गुड सेल्फ, कि आप वहां पे जाके पाकिस्तान का जो प्रस्पेक्टिव है, केस है, उसको प्रेजेंट करें। आने वाले दिनों में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो भी कंसल्टेशन, वहां पे जो मीटिंग होगी, उसमें पाकिस्तान किस तरह से अपनी नुमाइंदगी कर पाएगा? ये देखिए, हिंदुस्तान की जो सदारत है वो अगले 10 दिन है, तो अगला जो सदारत होगी वो आयरलैंड की होगी सितंबर के महीने में। तो हमें इत्मीनान है कि आयरलैंड तो हमें शिरकत करने देगा, ये सिर्फ हिंदुस्तान है जिसने हमें रोका है। और मैं जो हमारे जो यहाँ कंसल्टेशंस हुई हैं उसमें मैंने बहुत जोर से ये पॉइंट रेज किया है कि अगर ये अगले 10 दिन में सलामती काउंसिल की अजलास होता है अफगानिस्तान पर, तो हम चाहेंगे कि वो एक ओपन मीटिंग हो जिसमें सबकी शिरकत की पॉसिबिलिटी हो और उसमें पाकिस्तान की शिरकत की भी पॉसिबिलिटी हो, क्योंकि जिस तरह से हिंदुस्तान ने ये क्लोज्ड मीटिंग्स बुलाई हैं ब्रीफिंग्स कहला कर और उसके तहत रोका है दूसरे लोगों को बोलने से, पाकिस्तान को ना सिर्फ, ईरान को भी रोका है, ताजिकिस्तान भी बोलना चाहता था उनको भी रोका है, तो ये तो उन्होंने एक अपना एक्सक्लूसिव प्रिजर्व बनाया है और उनके खिलाफ काफ़ी सेंटिमेंट सलामती काउंसिल में बहुत नेगेटिव रिएक्शन हुआ है उनके खिलाफ। तो हमने तो ये पेश किया है कि अगला इजलास अगले 10 दिन में अगर हो इनके सदारत में, तो सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर सब ने इंसिस्ट करना है कि एक ओपन मीटिंग होनी चाहिए। मुनीर अकरम साहब, डू यू थिंक के द परमानेंट मेंबर्स
स्पेशली चाइना, रूस जो है वो अगर इस तरह की हरकत दोबारा इंडिया करता है तो क्या ये उस कंसल्टेटिव प्रोसेस को रोक सकते हैं? डू यू थिंक दे कैन ब्लॉक दैट प्रोसेस? जी देखें, बहुत सारी प्रोसीजर्स होती हैं। मेरे ख्याल में ब्लॉकिंग तक तो नहीं आएगी बात। हिंदुस्तान को भी मेरे ख्याल में समझ आ गई है, क्योंकि कोई 10 सलामती काउंसिल के मेंबर्स ने उन्होंने प्राइवेट कंसल्टेशन में उन्होंने ये नुक्ता उठाया कि आपने क्यों नहीं इजाजत दी पाकिस्तान, ईरान और ताजिकिस्तान को, और क्यों इस तरह से अपने मीटिंग को रिस्ट्रिक्टेड रखा। तो वो हिंदुस्तान को एक्सप्लेन करना पड़ा और उन्होंने बड़ी इलेबरेट एक्सप्लेनेशन दी कि जी हम फोकस रखना चाहते थे, ये करना चाहते, वो करना चाहते थे, पर उनके ऊपर दबाव काफ़ी आया है। और मेरे ख्याल में अगर इजलास अफगानिस्तान पे अगले 10 दिनों में हुआ, उनको लाजमी ओपन रखना पड़ेगा। मुनीर अकरम साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को मुख्तलिफ जो ममालिक इम्पोर्टेंट ममालिक हैं उनके हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स ने, हेड ऑफ द स्टेट्स ने इन रिसेंट 3-4 दिनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा उनके साथ टेलीफोन के ऊपर बातचीत की है, और जो वेस्ट से एक आवाज़ आ रही है वो ये है कि हमने तालिबान की गवर्नमेंट को तस्लीम नहीं करना। यहाँ पे भी और इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी कुछ एक ऐसा तासर भी दिया जा रहा है कि जिसमें पाकिस्तान को भी एक स्केप गोट बनाने की कोशिश की जा रही है या ब्लेम करने की कोशिश की जा रही है। तो इस प्रस्पेक्टिव में हमारा जो इंटरनेशनल एक फेस है अक्वामे मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो क्या होगा? ये देखिए, पहली बात तो मैं जरा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, जो प्राइम मिनिस्टर की इंटरेक्शंस हुई हैं दूसरे सरबराहों से, उसमें तो हमारा शुक्रिया अदा किया है उन्होंने। डेनमार्क के मिनिस्टर ने, दूसरे जो वेस्टर्न ममालिक हैं जिनके डिप्लोमेट्स हमने इवैक्यूएट किए हैं और जिनके एम्प्लॉज हमने इवैक्यूएट किए हैं काबुल से, उन्होंने तो प्राइम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा किया। और बहुत यहाँ भी मुझे बहुत उन्होंने शुक्रिया अदा किया हमारा कि जो हमने जो रोल अदा किया है और मदद की है ये इवैक्यूएशन में, इसकी इसकी भरपूर अप्रिसिएशन है पाकिस्तान के बारे में। तो मेरे ख्याल में स्केप कोटिंग की जो बात है वो कोई लोग हैं जो स्पॉयलर्स हैं, जो पाकिस्तान के एक लॉबी हमारे खिलाफ जो है कुछ मीडिया में है, वेस्टर्न मीडिया में है, कुछ लोग जो अब बहुत उनकी फेल स्ट्रेटजी कामयाब जो नहीं हुई है उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो उन्होंने कुछ नुक्ताचीनी हमारे खिलाफ उठा रहे हैं। पर मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में हमारी जो पोजीशन है वो अप्रिशिएट की गई है, और जिस तरह से हमने अप्रोच किया है ना सिर्फ इवैक्यूएशन को, पर जो हमने सपोर्ट किया है एक इंक्लूसिव हुकूमत बनाने के लिए, जो हमारा जो रोल है पॉलिटिकल प्रोसेस में, जो हमने फैसिलिटेशन की है, उस सब की अप्रिसिएशन है। और पाकिस्तान की अहमियत सब जानते हैं और सब मानते हैं। अमेरिकन जो मीडिया है और जाहिर है कि अमरीका की जो एस्टेब्लिशमेंट है, गवर्नमेंट है, इसी तरह हमने जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश हैं उनको हमने सुना पार्लियामेंट के अंदर जो उनका सेशन चल रहा है, जिसके अंदर अपोजिशन ने उनसे ये भी डिमांड की है कि आपकी जो इंटेलिजेंस फेलियर हुई है उसके ऊपर आप कोई जो है इन्वेस्टिगेशन करें, जिसको फॉर द टाइम बीइंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज रिजेक्टेड। सो मुझे काइंडली ये बता दीजिएगा कि ये क्यों एक प्रोस्पेक्टिव मीडिया के अंदर, इंटरनेशनल मीडिया के अंदर ऐसा आ रहा है कि जैसे तालिबान जो हैं वो ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन कर रहे हैं या ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन करेंगे, ख्वातीन के साथ उसी तरह वो जुल्म करेंगे और वहाँ पे जो फ्रीडम्स हैं उनका उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, और इस बेस के ऊपर तालिबान की जो गवर्नमेंट है उसकी रिकग्निशन इंटरनेशनली मुश्किल हो जाएगी। सही जी, देखें एक वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है तालिबान के बारे में, वो क्योंकि उनका रिकॉर्ड माजी में कुछ अच्छा नहीं था जो ह्यूमन राइट्स के बारे में, तो ये खौफ है लोगों को कि ह्यूमन राइट्स की खिलाफवर्जी होगी।
पर तालिबान ने अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट जो पहली उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जाहिर की है, एमनेस्टी डिक्लेयर की है, कहा है कि हम रिवेंज नहीं करेंगे, जो लोग पिछली हुकूमत के साथ थे उनको भी हम शामिल करना चाहते हैं वगैरह वगैरह, औरतों के जो हकूक हैं उनको भी हम पूरे रखेंगे। तो ये एश्योरेंसेस तो उन्होंने दी है, पर वेस्टर्न जो साइकी है उसमें आप जानते हैं कि जो भी इस्लामी जो जब कोई इस्लामी रूल आता है उससे उनको नफरत है और उसको वो पूरी तरह से समझते नहीं है, और खुफजदा भी हो जाते हैं। जी, जैसे अब उन्होंने कहा कि हम शरिया रूल, शरिया लॉ और शरिया रूल होगा, उनको समझ नहीं आती है, वो तो समझते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, शरिया लॉ क्या है क्या नहीं है। तो ये इस तरह की गलतफहमियां हैं, इस्लामोफोबिया का एक जो जो फिनोमेना है वो मौजूद है वेस्टर्न वर्ल्ड में, तो इस वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो इसको हमने बहुत तरीके से समझाना होगा वेस्टर्न ममालिकों को, वेस्टर्न पब्लिक ओपिनियन को समझाना होगा कि जी शरिया लॉ कोई खौफनाक चीज़ नहीं है, वो तो हम हमारे सब पे लागू है और हमने वो करना है। पर ये मिसपरसेप्शन तो हैं, वो आप जानते हैं किस तरह की। बिल्कुल सही है, आपने शुरू में कहा कि सेक्रेटरी जनरल यूएन जो है और यूनाइटेड नेशंस की जो मुख्तलिफ एजेंसीज हैं वो उनकी ये कोशिश है कि तो जो ह्यूमैनिटेरियन वहाँ पे क्राइसिस पैदा ना हो, जैसे फूड का क्राइसिस, जैसे हेल्थ के हवाले से बच्चों की जो सेहत के मामलात हैं, मदर्स के जो सेहत के मामलात हैं, उसके लिए पैसे की भी ज़रूरत होगी। और जाहिर है कि इस तालिबान या कोई भी एक कंसल्टेटिव गवर्नमेंट फॉर्म होती है उसके लिए भी पैसे की जरूरत होगी। 9.5 बिलियन डॉलर्स जो है अमेरिका के अंदर उनको अमेरिकन से मुंजमित कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है उस पैसे को जो अफगानिस्तान का बाहर पड़ा हुआ था। सो इंटरनेशनली आई मीन द अक्वाम मुतहदा इस हवाले से क्या अमेरिकन को या वेस्टर्न वर्ल्ड को कह सकती है कि जो आप पैसा कमिट करते रहे हैं उसको जारी रखें ताकि जो प्रोसेस है अफगानिस्तान के अंदर, जो अफगानिस्तान की आवाम है वो सफर ना करे। सही कह रहे हैं आप। अब जो जहां तक के ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस होगा तो उसके लिए तो अक्वामी मुत्तहिदा को और सेक्रेटरी जनरल साहब को पैसा मोबिलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये इमदाद पहुंचाने के लिए। जहां तक कि रिजर्व्स का मसला है, ये मेरे ख्याल में एक प्रिकॉशनरी इन्होंने स्टेप लिया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इसको इस्तेमाल करके वो अशोर अपने करें कि जो हुकूमत आएगी, जो हुकूमत तालिबान वहाँ बनाएंगे, अभी जो मुज़ाकरात वहाँ चल रही हैं और एक इंक्लूसिव उन्होंने हुकूमत की है, तो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया, ये वेस्टर्न दुनिया, अमेरिका वगैरह का यही ख्वाहिश है कि जो हुकूमत निकले वो इंक्लूसिव हो और उसमें सब रिप्रेजेंट हो। तो ये मेरे ख्याल में इंतज़ार कर रहे हैं, इंशाल्लाह जब हुकूमत बन जाएगी उनकी तो फिर उन्होंने अप्रोच करना होगा अमेरिका को और दूसरों को कि जी हमारे जो हमारा पैसा है वो वापस करें। मुनीर अकरम साहब, एक हाइपोथेटिकल एक क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि जब तक वेस्ट जो है, जैसे कैनेडियन ने कहा जी कि हम तालिबान की गवर्नमेंट को नहीं मानते, वो कि आगे चल के चीज़ें तब्दील भी होंगी, यूएन जनरेट पैसा जो है वो जाहिर है वेस्टर्न वर्ल्ड से ही करेगा, जो मालदार ममालिक हैं, अगर रिकग्निशन का जो अमल है वो डिले हो जाता है, लेट होता है, तो फिर यूएन को पैसा कहाँ से मिलेगा? ये देखें, वो मेरे ख्याल में कुछ पैसा तो यूएन के फंड्स में होता है, कुछ पैसा वो अपील करते हैं, वहां से मोबिलाइज वो करते हैं, देखें कितना पैसा वो मोबिलाइज कर सकते हैं। पर मेरे ख्याल में सेक्रेटरी जनरल की तो कोशिश होगी कि क्योंकि वहाँ अफगानिस्तान में काफ़ी गुर्बत है, वहाँ इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग भी वहाँ बिखरे हुए हैं, उन सबको इमदाद पहुँचानी पड़ेगी, और जो वेस्टर्न ये ममालिक हैं उनको भी दिखाना होगा कि जी आप इस वक्त आपने इतनी ह्यूमन राइट्स की आप बात करते हैं, तो आप पहले तो आप स्टेप अप टू द प्लेट और कुछ इमदाद जो है वो आप उसमें शामिल हों, तो इंशाल्लाह वो मोबिलाइज कर सकेंगे। पर ये भी एक पहलू है
जिसके ऊपर यहाँ कंसल्टेशन जारी हैं। बहुत शुक्रिया आपका मुनीर अकरम साहब, मुस्तकिल मुंतबीन हमारे न्यूयॉर्क के अंदर, अमेरिका के अंदर। नासीन गुफ्तगू यही हो रही थी कि इंटरनेशनली जो रिकग्निशन का जो अमल है तालिबान की गवर्नमेंट का या तालिबान के साथ मिल के बाकी जो सियासी वहाँ पे जितने भी अफगानिस्तान के अंदर ग्रोह हैं, ग्रुप्स हैं, उनके साथ मिल के जो भी गवर्नमेंट फॉर्म होती है उनकी रिकग्निशन का इंटरनेशनली एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और अगर वो नहीं होता तो जो इमदाद है जो इंटरनेशनली उनके ऊपर तिजारत वो करना चाहते हैं पूरी दुनिया के साथ, डिप्लोमेसी करना चाहते हैं, ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं, वो शायद मुश्किल हो जाएगा तालिबान की नई गवर्नमेंट के लिए। आज के लिए इतना ही। वहीद हुसैन को प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।